रूपाली गांगुली सेवन अननोन फैक्ट। नंबर एक, रूपाली गांगुली ने 7 साल की उम्र में 1985 में साहिब फिल्म के साथ डेब्यू किया था। नंबर दो, रूपाली गांगुली के पिता मशहूर फिल्म मेकर अनिल गांगुली हैं, जिन्होंने इनकी पहली फिल्म साहिब भी डायरेक्ट की थी। नंबर तीन, साल 2000 में रूपाली ने मुंबई में एक विज्ञापन एजेंसी शुरू की थी, जिसके तले ये फिल्मों और विज्ञापनों का निर्माण करती हैं, तो ये एक अच्छी बिजनेस वूमन भी हैं। नंबर चार, रिपोर्ट के मुताबिक रूपाली गांगुली अनुपमा के लिए पहली पसंद नहीं थी। इनसे पहले साक्षी तंवर, जूही परमार, गौरी प्रधान और यहाँ तक कि मोना सिंह को रोल ऑफर हुआ था, पर ये रोल इनकी झोली में आ गया। नंबर पाँच, अनुपमा सीरियल में डांस के प्रति अपनी रुचि दिखाने वाली रूपाली असल जिंदगी में भी काफी अच्छी डांसर है। नंबर छह, कम ही लोग जानते हैं कि रूपाली गांगुली ने एनिमेटेड फिल्म दशावतार के लिए भी अपनी आवाज दी थी। नंबर सात, रूपाली गांगुली ने अपने करियर की शुरुआत फिल्मों से की थी, जिनमें मिथुन की भी ये हीरोइन बनी थी, पर फिल्मों में सफलता ना मिलने के बाद इन्होंने सुकन्या सीरियल के साथ टीवी पर डेब्यू किया और उसके बाद कई शोज करके ये हिट एक्ट्रेस बन गई।